पिछले हफ्ते, उसके लिए और उसका फैमिली के लिए सब लोग दुआ कर दीजिए। मैं जब भी रियाद में जाएगा, ये आरिफ भाई स्टेज में, मतलब ऑडियंस में होगा, लेकिन उसका चेहरा तो बहुत अलग था, बहुत खूबसूरत था। उसके चेहरे से एक एनर्जी आ रहे थे, मतलब इतना बड़ा ऑडियंस में वो बैठेगा तो भी उसको हम नोटिस करेंगे, ऐसा एक चेहरा था। मैं जब उसके मौत के बारे में न्यूज मिला, आई कुडंट बिलीव, भरोसा नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकते हैं, इतना यंग, इतना एनर्जेटिक, इतना वाइब्रेंट आर्टी का मौत कैसे हो सकते हैं। हम सब लोग ये सोच के जीते हैं कुछ भी नहीं हो जाएगा हमारे लिए, 10 साल का प्लान है, 20 साल का प्लान है, 30 साल का प्लान है, वापस बांग्लादेश में जाके एक बिजनेस सेटअप करना है, एक घर बनाना है, एक गाड़ी खरीदना है, ये सब प्लान हमारे पास है, लेकिन फिर भी कहीं क्या हो जाएगा हमको मालूम नहीं है। सही है ना? कल क्या हो जाएगा, अगले सेकंड में क्या हो जाएगा हमको मालूम नहीं। आरिफ भाई रियाद में एक कंपनी में काम कर रहे थे, अभी बॉडी वापस बांग्लादेश में भेजने के लिए हमारे लोग उधर अरेंजमेंट कर रहा है। आरिफ भाई इस दुनिया में क्या छोड़ के गया, उसके फैमिली को छोड़ के गया। वो फैमिली भी कभी नहीं सोचा आरिफ भाई का मौत इतना जल्दी हो जाएगा। वो कंपनी अभी शायद आरिफ भाई को कुछ हेल्प दिया होगा, लेकिन फिर भी आरिफ भाई का वाइफ या उसकी चिल्ड्रन उसके कंपनी में जाके अगर पूछेगा तो मेरा पापा तो मर चुका है, वो काम मुझे मिलेगा, ऐसे पूछेगा तो वो क्या बोलेगा? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। लेकिन आरिफ भाई का वाइफ या चिल्ड्रन, किसी भी आदमी हमारे किसी भी डीएक्सएन ऑफिस में जाके, मेरा पापा का मौत हो गया है, वो डीएक्सएन डायमंड था, मुझे ये बिजनेस कंटिन्यू करना है, ऐसे अगर बोलेगा तो उसी टाइम मैनेजर कुर्सी से चढ़ा के उसको बताएगा आप पूरे लाइफ टाइम में वो फैमिली को एक बिजनेस, लाइफ टाइम बिजनेस छोड़ के आरिफ भाई ने गया है। आप इतना बड़ा हॉल में बैठ के, एक एक कॉर्नर पे बैठ के आप सोच लीजिए आपके मन में, अगर कुछ हो गया तो, कुछ भी नहीं हो जाएगा दुआ करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो गया तो मैं क्या छोड़ के जा रहा है। हम पूरे फैमिली के छोड़ के इधर आके मेहनत कर रहा है क्योंकि उसको हम प्यार करते हैं, लेकिन अगर कुछ हो गया तो, मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या छोड़ के जा रहा है। लेकिन मैं बताएगा, इधर जितना डीएक्सएन डायमंड्स है, रूबीज है, वो सब लोग कुछ तैयार करके रखा है, अगर कुछ हो गया तो भी, अगर उसका उसको कुछ हो गया तो भी, इधर का कंपनी कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी डीएक्सएन का बिजनेस उसका फैमिली को कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते। अभी जो भाई साहब इधर गाना गाया, बहुत अच्छा गाना था, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एक और बार। ये गाना सुनने के टाइम पे हमको बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन ये हॉल छोड़ के बाहर जाएगा तो शायद ये खुश हमारे मन में नहीं होगा। पूरे जिंदगी में एक सैटिस्फाइड लाइफ निभाने के लिए, एक जिंदगी, एक खुश भरा जिंदगी निभाने के लिए, बाबू जी हमें करेक्ट, खुश भरा जिंदगी निभाने के लिए हम डीएक्सएन करना ही चाहिए, डीएक्सएन करना ही चाहिए। इस
इस प्रोडक्ट में जादू है। कितने लोग हैं नए मेंबर्स? थोड़ा हाथ ऊपर कर दीजिए। नए मेंबर्स पहले बार डीएक्सएन का प्रोग्राम में आ रहा है, माशाल्लाह। बहुत सारे लोग आपको शायद पता नहीं चलेगा इधर क्या हो रहा है, ये डीएक्सएन क्या है। ये बहुत सारे आदमी लोग कोट सूट पहन के इधर आके कुछ भी बोल रहा है, ये क्या हो रहा है, आप ऐसे सोच रहा होगा। लेकिन मैं क्या बताएगा, आप में से बहुत सारे लोग अपना सैलरी पहले 10 दिन में, महीने के पहले 10 दिन में पूरा सैलरी फिनिश हो जाते हैं आप में बहुत सारे लोगों को। लेकिन हमारा डीएक्सएन डायमंड्स को ऐसा नहीं है, वो अपने सैलरी, वो भी किसी और कंपनीज में काम कर रहा है लेकिन अपने सैलरी टच नहीं कर रहा है। इधर का खर्चा और वापस मुल्क का भेजने वाला पैसा, ये सब डीएक्सएन से कमाते हैं। अपने पूरा सैलरी डीएक्स बैंक में जमा हो जाता है। ऐसा एक सिस्टम है इधर डीएक्सएन में। डीएक्सएन कौन सा साल में पैदा हुआ था? 1992 में शुरू किया, 1992 सितंबर में शुरू किया। लेकिन डीएक्सएन का वेबसाइट में, डीएक्सएन का ब्रोशर में, पूरे जगह में आप ये देख सकते हैं डीएक्सएन 1993 में पैदा हुआ। ये क्यों ऐसा? क्योंकि 1992 सितंबर डॉक्टर लिम ने डीएक्सएन शुरू किया। सितंबर से शुरू करके दिसंबर लास्ट तक किसी एक प्रोडक्ट भी नहीं बेच सका। इसके वजह से डीएक्सएन 1993 में शुरू किए ऐसे बोल रहा है। लेकिन 1993 जनवरी में हमारा फर्स्ट सेल हुआ। 1993 में, पूरा 1993 में डीएक्सएन का सेल था 20,000 मलेशियन रिंगिट। 20,000 तालियां बजाने का जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटा फिगर है 20,000 एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए पूरा साल का सेल 20,000 रिंगिट। लेकिन मैं क्या बता रहा है, मैं ये प्रोडक्ट का जादू के बारे में बता रहा है। और 1994 में डीएक्सएन का सेल था 2 मिलियन मलेशियन। और अभी पिछले साल डीएक्सएन का सेल था 1.5 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर्स। पिछले साल और इस साल के बीच में फर्क है 40% सेल, फिर भी बड़ा। ऐसे जाएगा तो 2020 में डीएक्सएन वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे बेहतरीन 10 कंपनीज में एक हो जाएगा। Yes! ये क्यों हो रहा है, ये ग्रोथ क्यों हो रहा है? ये हो रहा है किसी, क्योंकि ये सिस्टम के वजह से, ये प्रोडक्ट के वजह से। प्रोडक्ट्स में कुछ जादू है। हम अभी यूएई में एक नया फैक्ट्री शुरू करने वाला है, डीएक्सएन का फैक्ट्री। सेल इतना बड़ा है, पूरे टाइम मलेशिया से इधर सामान नहीं लेके आ सकते हैं, और इसीलिए हम इधर फैक्ट्री बना रहा है। इसके लिए इधर का बहुत बड़ा सिटीजंस हमको मौका दे रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, ये छोटा कंपनी के ऊपर ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स में जादू है। ये प्रोडक्ट्स का जादू आपको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आप सोचना है। क्योंकि डीएक्सएन मेंबर्स मतलब ये प्रोडक्ट्स का, ये जादू भरा प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो जब आप ये डीएक्सएन प्रोडक्ट्स बेचना शुरू करेंगे, उसी टाइम कंपनी का सेल ग्रोथ कैसा था, मतलब एक साल में 20,000 रिंगिट था, दूसरा साल में वो 10 गुना बढ़ा, और तीसरा साल में फिर भी 10 गुना बढ़ा, ऐसा ग्रोथ आपका इनकम में भी हो जाएगा। Yes. आपका अपना बोनस इनकम में भी हो जाएगा। अगर आप 3,000 या 4,000 तनखा कमाने वाला एक आदमी है, तो अभी इस हॉल में डिसाइड करके आप एक साल
डीएक्सएन में काम करेगा तो अगले साल तनखा भी 4000 होगा और डीएक्सएन का इनकम भी 4000 होगा। तो अपना दुनिया ट्रांसफॉर्म करने का एक मौका है इधर। आप ये सोच लीजिए, पूरा पूरा सेशन आप बैठेगा तो भी, गाना सुनेगा तो भी, नाच देखेगा तो भी, मिमिक्री सुनेगा तो भी, आपका जिंदगी चेंज नहीं हो जाएगा। आपका जिंदगी चेंज होना है तो ये जो विक्ट्री है ना, विक्ट्री अभी तक हमको नहीं मिला है। सिर्फ बांग्लादेशी के लिए नहीं है, किसी को भी विक्ट्री अभी तक नहीं मिला है। विक्ट्री किसके ऊपर मिलना है? अपने अंदर में एक आदमी है, उसके ऊपर मिलना है। हम ऊपर नहीं जाते हैं क्योंकि अपने अंदर से किसी आदमी आपको पुल कर रहा है। नहीं, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। तो ये एक अलग रास्ता है। पूरे 90% ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया के 90% आदमी लोग एक रास्ता में चल रहा है, लेकिन डीएक्सएन और डायरेक्ट सेलिंग का आदमी लोग एक दूसरा रास्ता चुना है। ये दूसरा रास्ता में आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत चाहिए अपने मन में। अपने मन में एक डिसीजन लेना है, मेरा रास्ता ये है, अगले साल से ये सैलरी मेरा वन इनकम नहीं होगा, मुझे एक दूसरा इनकम भी हो जाएगा डीएक्सएन की तरफ से। जब मैं ये छोड़ के बांग्लादेश जाएगा, उसी टाइम मैं दूसरा जॉब ढूंढने का जरूरत नहीं, ये डीएक्सएन का इनकम से ले जिएगा और बांग्लादेश में भी मैं ये बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो आरिफ भाई के जैसा मेरा फैमिली प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएक्सएन का बिजनेस होगा उसके लिए। ये पूरे डिसीजन अपने मन में ले डिसाइड करके ये थॉट चल के जाना है। अगर ऐसे करेगा तो कल से शुरू करके आपका जिंदगी चेंज हो जाएगी। वी मिस हारून भाई टुडे, हारून रशीद है? है या नहीं? नहीं? ओके, हारून भाई इधर आ नहीं पाया क्योंकि वो कल इंडिया जा रहा है, परसों मलेशिया जाने का प्लान में था, मलेशिया से सिंगापुर जाके सिंगापुर से इंडिया में आने के लिए प्लान था, और इंडिया से वो एक स्पीकर बनके उधर जा रहा है। इंडिया में उसका स्पीच फिनिश करने के बाद अभी टर्की जा रहा है, टर्की में यूरोपियंस का सेमिनार है, उसमें एक ट्रेनिंग देना है। हारून और रशीद बांग्लादेश के, वो उसके जिंदगी में विक्ट्री पाया, और इस विक्ट्री डे में हम एक डिसीजन लेगा हारून के जैसा, और इधर बहुत सारे सक्सेसफुल डीएक्सएन डायमंड्स है, उन लोगों के जैसा मैं भी अपने आप में, अपने आप में जो आदमी है उसके ऊपर विक्ट्री पाके जिंदगी में कुछ बन जाएगा, ऐसे सोच के ये हॉल छोड़ के जाना है। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।